मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में जिले में 302 जोड़े एक सूत्र में बंध गए। सनातन धर्म विधि से 169 हिंदू जोड़ों ने हवन कुंड के सामने फेरे लिए और 7 जन्मों के सुख दुख के साथी बने, जबकि 133 जोड़ों का निकाह हुआ। मुस्लिम हिंदू रीति विवाह से हुए समारोह में मंडल के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी व निगम अधिकारी के अलावा मेयर व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तमाम गणमान्य लोग साक्षी बने। समारोह में 51 हवन कुंड में मंत्रोच्चारण के बीच गायत्री परिवार ने विवाह संपन्न कराया, जबकि निकाह की रस्म मुरादाबाद व आसपास के 8 काजी ने कराया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने प्रदेश भर में सामूहिक विवाह कराने का आयोजन रखा। पंचायत भवन में हुए कार्यक्रम में निगम ने जांच पड़ताल कराई। जिले में 328 जोड़ों को लाभार्थी माना गया। 180 में से 169 हिंदू जोड़े पवित्र अग्नि के सामने साक्षी बने। विवाह के लिए 51 हवन कुंड तैयार किए गए। हर हवन कुंड में 6 जोड़े बैठे। विवाह की जिम्मेदारी गायत्री परिवार के डॉक्टर लवलेश, SN मिश्रा, LK त्यागी, हरीश वर्मा, मीनू विज ने निभाई। घनश्याम पंडित व शीला त्यागी ने मंत्रों उच्चारण के साथ विवाह कराया, जबकि दूसरी मुस्लिम रीति रिवाज से साथ लगे पंडाल बनाया गया था। देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत आयोजन आज हो रहा है, और अभी तक यहाँ पर 328 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें लगभग 148 जोड़े मुस्लिम हैं जो निकाह कराए जा रहे हैं। तो यहाँ एक साथ आप देख रहे हैं कि विवाह भी हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ निकाह भी हो रहा है, तो अपने आप में एक सांप्रदायिक सद्भाव का एक अच्छा नमूना है। और साथ ही साथ जो तमाम दहेज की कुप्रथा हमारे समाज में है उस पर एक कुठाराघात भी है कि आप देख रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, और पूरा उत्साह का माहौल है, विवाह का माहौल है, और वो भी क्यों ना, जहाँ इतने जोड़ों की शादी एक साथ हो रही, तो अपने आप में एक उत्साह का माहौल है। और मैं जो विवाह बंधन में और निकाह बंधन में बंधने जा रहे हैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल वैवाहिक जीवन की कामना।